कई वर्षों से किसानों की आत्महत्या समग्र देश के लिए चिंता का विषय रहा है। समय समय पर हर सरकार ने उनसे जो भी संभव हुआ करती रही है। कल की घटना के कारण पूरे देश में जो पीड़ा है उसकी अभिव्यक्ति सदन के भी सभी माननीय सदस्यों ने की है। मैं भी इस पीड़ा में सहभागी होता हूं। ये हम सबका संकल्प रहे, हम सब मिलकर के इस समस्या का समाधान कैसे ढूंढे। समस्या बहुत पुरानी है, समस्या बड़ी व्यापक है और उसे उस रूप में लेना पड़ेगा। जो भी अच्छे सुझाव होंगे उसको लेकर के चलने के लिए सरकार तैयार है। किसान की जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं होती है, इंसान की जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। और इसलिए राजनाथ जी ने सरकार की तरफ से जो जानकारी देनी थी वो आपको दी है, लेकिन मैं इस सदन की पीड़ा के साथ अपने आप को जोड़ते हुए, हम सब दल कोई भी हो, देश बहुत बड़ा होता है, समस्या पुरानी है, गहरी है, हम सबको सोचना होगा कि हम कहां गलत रहे, वो कौन सी गलत रास्ते पर चल पड़े, वो कौन सी कमियां रही, पहले क्या कमियां रही, पिछले 10 महीनों में क्या कमियां रही, ये सबका दायित्व है। लेकिन किसानों की इस समस्या का समाधान का रास्ता हमको खोजना है और मैं इस विषय में खुले मन से जो भी सुझाव आए आप जरूर बताइए, अपन को इनको रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। किसान को असहाय नहीं छोड़ सकते, हमने उसके साथ उसके दुख में सहभागी होना है, उसके भविष्य के लिए भी सहभागी होना है और उस संकल्प आज की चर्चा में से वो संकल्प उभर करके आए, सामूहिक संकल्प उभर करके आए कि हम सब मिलकर के अब हमारे किसानों को हम न मरने दें। मैं इतनी प्रार्थना इस सदन को करता हूं।